अब देखें, सबसे पहले फ्री हैंड के अंदर हम किसी भी बुक का पेज या बैनर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। तो कोई भी अगर बैनर आपको डिज़ाइन करना हो या कोई भी बुक का फ्रंट पेज अगर आपको डिज़ाइन करना हो तो उसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी आउटलाइन कलर ले लेंगे और यहाँ से कोई भी फिल कलर ले लेंगे। उसके बाद रेक्टेंगल टूल लेंगे और पूरे पेज के ऊपर इसे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से इंक्रीज कर देंगे इसकी वेड, आउटलाइन वेड इंक्रीज कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंटर टूल लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, डबल क्लिक करके सेकेंड शेप को साइज में छोटा कर देंगे और इस तरह से ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोबारा रेक्टेंगल टूल लेंगे, कलर्स चेंज करेंगे और इसको इसके अंदर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे और कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देंगे, कोई भी फिल कलर लेके। साइड पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले लेंगे, इसका साइज वगैरह सेट कर देंगे। यहाँ से मैंने इसे इफेक्ट दे दिया और यहाँ से एडिट में जाके उस इफेक्ट को एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप किस तरह से कर सकते हैं एडिटिंग। ठीक है, इसके बाद आप अब देखें, अगर आपको इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, इम्पोर्ट में जाएंगे और अगर आपको कीबोर्ड से इस्तेमाल करना है, कीबोर्ड से पिक्चर अगर आपको लेकर आनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल आर, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपकी पिक्चर सेव है वो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर आपके पेज के ऊपर आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करके साइज वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट जोड़ लेंगे, पेज पे क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट ऐड कर देंगे। यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसका साइज स्टाइल वगैरह सेट कर देंगे। दोबारा रेक्टेंगल टूल लेंगे, यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, कोई भी कलर ले लेंगे, फिल कलर, आउटलाइन कलर देना चाहते हैं तो कोई भी आउटलाइन कलर भी ले लेंगे।
ठीक है, इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। यहाँ से आपने क्या किया, दोबारा टेक्स्ट टूल लिया, इस पर क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देंगे, साइड पे क्लिक करके पॉइंटर टूल से इसे दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे, फॉन्ट स्टाइल सेट कर दिया, अफेक्ट दे दिया अगर देना चाहते हैं, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हैं। टेक्स्ट फिल में क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर दे दिया और थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देंगे यहीं से जाके। मैं इसका थोड़ा सा साइज सेट कर रही हूँ, इस तरह से। अब अगर आपने नीचे भी अगर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट लेंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और यहाँ से उस पिक्चर को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। या आप थोड़ा सा फासला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। दोबारा टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ क्लिक करके, ठीक है, कोई भी करके इसे सेलेक्ट किया और इसे डिज़ाइन कर लेंगे। इसी तरह आप और भी चीज़ें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल जी से आप इसे ग्रुप कर लेंगे। इस तरह से आप अपने पेज का कोई भी फ्रंट पेज बुक का बना सकते हैं, बैनर चाहे तो बैनर बना सकते हैं। आपका लेक्चर नंबर 12 था फ्री हैंड का, जो कि था हाउ टू क्रिएट बैनर और एनी पेज फ्रंट पेज ऑफ बुक, जो कि कंप्लीट हो गया है।